Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to lecture number 13. And today we are going to continue where we left off in the last lecture. We talked about communication and how it helps in improving attitudes, changing from negative to positive, and building towards a loyalty and association kind of relationship between a brand and a consumer. So today, as we discussed at the end of previous lecture, that we are going to talk about more on communication, marketing communication, with regards to consumer behavior and how it improves and forms a positive image in a consumer's mind to become a permanent almost fixture of an evoked set. ठीक है, और evoked set क्यों जरूरी है? क्योंकि वो foundation रखता है mind share की. और mind share क्यों जरूरी है? क्योंकि mind share foundation रखता है market share की. और हम सबको पता है कि market share क्यों जरूरी है. ठीक है, तो आज हम उसी की कंटिन्यूएशन रखते हैं इस लेक्चर के अंदर. ये आपको अगेन हमने पीछे लेक्चर में भी पढ़ा कि बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल है और उसके अंदर सेंडर यानी कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन में आप समझिए ब्रांड है और वो मैसेज को इनकोड करता है यानी कि उसको फॉर्मुलेट करता है. मीडिया चैनल देखता है, मैसेज फॉर्मेशन करता है, फॉर्म ऑफ प्रमोशन को सिलेक्ट करता है और वो मैसेज फिर कम्युनिकेट एक मीडियम के थ्रू किया जाता है और ताकि वो रिसीवर तक पहुंचे. रिसीवर मार्केटिंग कम्युनिकेशन मॉडल में ऑब्वियसली कंज्यूमर्स हैं क्योंकि वो आपके लार्जेस्ट स्टेक होल्डर हैं. माइंड शेयर और मार्केट शेयर उन्हीं का लेना है आपने, तो उन्हीं से लेना है बल्कि. तो ये जब कंज्यूमर्स तक, तो कंज्यूमर्स ये तमाम मैसेज को अपने सेल्फ रेफरेंस क्राइटेरिया से इसको डीकोड करते हैं. ठीक है, और ये जब प्रोसेस चल रहा होता है कम्युनिकेशन का, तो एक चीज होती है नॉइज. और हमने कल भी पिछले लेक्चर में भी इस पे बात की थी कि नॉइज क्या चीज है. ठीक है, और नॉइज जो है एक क्लटर को कहते हैं, यानी कि अगर बंदा सोच भी रहा है तो वो सामने वाले की बात नहीं सुन सकता. ठीक है, तो फिर वो कहते हैं क्या कहा आपने, दोबारा रिपीट करें. अक्सर बेशतर हमारे साथ ये हो जाता है रोजमर्रा की जिंदगी में. वो ये क्या है, ऑब्वियसली अगर एक फुट से भी के फासले पे एक बंदा बैठ के आपसे बात कर रहा है एंड यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, जो पेइंग नॉट पेइंग अटेंशन है वो बेसिकली एक नॉइज है, एक क्लटर है. आपके जहन में सोच चल रही है, आप कुछ और बात पे ध्यान दे रहे हैं, तो आप नहीं सुन सक रहे कि वो बंदा क्या कह रहे हैं. तो आप कहते हैं कि यार, वो जब आपसे जवाब एक्सपेक्ट करते हैं तो आप फिर उनसे रियलाइज करते हैं कि मैंने कुछ मिस कर दिया है, तो आप पूछते हैं उनसे कि आपने क्या कहा. बिल्कुल बिल्कुल यही चीज होती है जब एक ब्रांड यानी कि एडवर्टाइजर या प्रोमोटर अपना मैसेज, अपने ब्रांड का मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है उसको एनकोड करके. तो डिकोडिंग प्रोसेस में जब कंज्यूमर डिकोड कर रहा होता है, जब मैसेज आ रहा होता है, तो एक नॉइज होती है. वो नॉइज जो है वो क्लटर है. क्लटर क्या है, और बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स चल रहे हैं सो यू डोंट रिमेम्बर. या वो क्लटर क्या है कि आपका यानी कि कंज्यूमर का सेल्फ रेफरेंस क्राइटेरिया से जिस तरह वो उसको डिकोड कर रहा है मैसेज को, इज नॉट the same as the brands. Perhaps brand जो मैसेज इनकोड किया है उसने, उसने मद्देनजर नहीं रखा वो तमाम फैक्टर्स जिनके बेसिस पे एक कंज्यूमर अपनी सराउंडिंग को देखते हुए एक एक डिसीशन लेता है. ठीक है ना, मे बी वो ब्रांड फमिलियर नहीं है या उसने जानने की कोशिश नहीं की है कि कंज्यूमर्स एक चीज को, इस प्रोडक्ट कैटेगरी को किस तरह कंज्यूम करते हैं या वो मेरे ब्रांड को क्यों प्रेफरेंस देंगे. ठीक है, और ये जब ये पूरा प्रोसेस कम्युनिकेशन का चलता है, उसके बाद इंटरैक्टिव होने के लिए ब्रांड जानना चाहता है कि कंज्यूमर की फीडबैक इस मैसेज के बारे में क्या है. ठीक है, मैसेज पे इंपॉर्टेंस क्यों है, कम्युनिकेशन पे इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये ब्रांड बिल्डिंग में एक रोल प्ले करता है. ये देखिए, ये माइंड शेयर है. अनलेस कि देर इज सेल्स प्रमोशन इन्वॉल्व्ड इन दिस एडवर्टाइजमेंट, तो फिर मार्केट शेयर की है बात कि आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है और आपको ये आजकल में करना है. ठीक है ना, मगर अगर
अगर आप आम तौर पे देखें तो एडवर्टाइजमेंट्स का पर्पस मार्केट शेयर इंक्रीज करना या सेल्स बढ़ाना हरगिज भी नहीं होता है. एडवर्टाइजमेंट्स जनरली एडवर्टाइजमेंट्स का पर्पस होता है कि माइंड शेयर बनाए. माइंड शेयर बनाने का मतलब है अवेयरनेस क्रिएट करें. अवेयरनेस का मतलब ये है कि रिकॉग्निशन और रिकॉल. रिकॉग्निशन और रिकॉल का मतलब ये है कि इवोक सेट में ब्रांड आए, ठीक है ना, और ब्रांड पॉजिटिव लाइट में है कि आप परसेप्शन जो डेवलप कर रहे हैं जिसकी परसेप्शन ही के बेसिस पे एटीट्यूड्स फॉर्म होते हैं. तो परसेप्शन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए. परसेप्शन वो चीज होती है कि आपने बगैर ट्राई और टेस्ट किए हुए एक चीज के बारे में अपनी ओपिनियन बना ली, ठीक है ना. तो आप जिस तरह कहीं बहुत सारी जगह आप घूमना चाहते हैं और आप उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में तस्वीरें देखते हैं, उसके बारे में लोगों से सुनते हैं और आप कहते हैं कि हाँ अगली दफा हमने भी जाना है इस जगह पे, ठीक है, चाहे वो मरी हो, नारायण हो, शंग्रेला हो, यू नो सो मेनी प्लेसेस और आउटसाइड द कंट्री हो. यू वॉन्ट टू गो एंड विजिट टर्की, परहैप्स मालदीव्स, सेशेल्स, यूएस, यूरोप, श्रीलंका. सो दीज आर प्लेसेज, यू नो, हॉट डेस्टिनेशन जिनको कहा जाता है. तो आप कहेंगे कि हमने भी जाना, जरूरी नहीं कि आप इन सब जगह पे जाए हुए, आपके पासपोर्ट पे हर जगह का ठप्पा लगा हुआ, नॉट नेसेसरीली, बट यू हैव फॉर्म्ड ए परसेप्शन. आपने किसी चीज के बारे में परसेप्शन बना लिया, ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल जितने सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, ये हमसे पर्सनली नहीं मिले हुए अपने टारगेट ऑडियंस से, मगर द टारगेट ऑडियंस हैव फॉर्म्ड ए ओपिनियन अबाउट देम. दैट ओपिनियन इज बेस्ड ऑन परसेप्शन, यू नो, विदाउट मीटिंग देम, विदाउट यू नो टेस्टिंग देम, दे हैव फॉर्म्ड एन ओपिनियन, दे हैव फॉर्म्ड ए परसेप्शन, ठीक है. तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन अ मार्केटिंग वर्ल्ड. ब्रांड भी बगैर ट्राइड एंड टेस्टेड, हर ब्रांड जो मार्केट में आता है वो आप नहीं ट्राई करते, ठीक है ना. मतलब फॉर एग्जांपल चाय के पांच ब्रांड है जो पिछले लेक्चर में भी हमने बात की, छह ब्रांड है जो मेन स्ट्रीम ब्रांड अक्रॉस द कंट्री. आपने जरूरी नहीं कि हर टारगेट ऑडियंस के हर मेंबर ने जो है वो छह के छह ब्रांड्स ट्राई किए होंगे, राइट. इट्स नॉट पॉसिबल अब कि आप हर महीने एक एक नया ब्रांड ट्राई करें, क्योंकि देखें इसमें बात यह होती है कि आप चीजें जब यूज करते हैं आप पैसे देके यूज करते हैं, ठीक है ना. तो वैल्यू इज अटैच्ड विद द प्राइस टैग, चाहे वो कम कीमत हो, 20 रुपए की चीज हो या 2000 2 लाख की चीज हो. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप वो चीज कंज्यूम करने के लिए लेके आए और उस कंजम्पशन प्रोसेस में अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है तो आप वो प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है, या फेंक देंगे या किसी और को दे देंगे या उसको तल्फ कर देंगे, यानी कि यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट, not that time when you purchased it and not any other time, ठीक है. तो आप सोच समझ के फिर इसलिए लेते हैं, आपकी जिस ब्रांड के बारे में परसेप्शन अच्छी है आप वही ब्रांड लेते हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज हो, पर्सनल यूज की चीज हो, या जिससे आपकी सेल्फ एस्टीम या एक्चुअलाइजेशन नीड्स पूरी होती है वो चीजें हो, ठीक है. वो तमाम चीजें आप वो इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको कंज्यूम करते हुए सेटिस्फैक्शन मिले, मगर अगर आपने वो ट्राई नहीं किया हुआ है तो आप उन ब्रांड्स में से चॉइस उसको करेंगे जिसके बारे में आपकी परसेप्शन अच्छी है, ठीक है. जिस ब्रांड को आपने ट्राइड एंड टेस्टेड किया है तो एंड यू आर हैप्पी विद द कंजम्पशन ऑफ दैट ब्रांड तो आप उसे चेंज नहीं करेंगे, राइट. अनलेस यू आर फीलिंग एडवेंचरस, तो आप उस सूरत में आप हर थोड़ी देर बाद एक नया ब्रांड ट्राई करें. सो ये इसीलिए ब्रांड ये जानना चाहता है कि मैसेज किस तरह कम्युनिकेट, किस तरह रिसीव हुआ है कंज्यूमर से, तो वो उनकी फीडबैक लेता है और फिर उसके मुताबिक अच्छा ब्रांड तो ये है कि अपनी इसलाह भी करता है, अपने आप को इम्प्रूव भी करता है और यू नो कंज्यूमर्स के मुताबिक वो फिर अपने अपने प्रोग्राम को, मार्केटिंग प्रोग्राम को कॉन्स्टिट्यूट भी करता है, ठीक है. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. जैसे कि अभी आपने पीछे विजुअल में देखा वो फिगर में, तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, मैसेज इनिशिएटर, सोर्स यानी कि ब्रांड, और अगर वो किसी एम्बेसडर को यूज कर रहा है या किसी टेस्टिमनी को पेश कर रहा है, किस तरह पेश कर रहा है. तो मैसेज इनिशिएटर कौन है, यानी कि ब्रांड क्या है, सेंडर यानी कि ब्रांड किस तरह इसको भेज रहा है, जैसे ब्रांड एम्बेसडर, रिसीवर यानी कि कंज्यूमर्स, मीडियम यानी कि कौन से चैनल के थ्रू भेज रहा है, अगर एडवर्टाइजिंग है तो आउटडोर एडवर्टाइजिंग है, मोबाइल एडवर्टाइजिंग है, प्रिंट एडवर्टाइजिंग है, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि रेडियो एडवर्टाइजिंग है या टेलीविजन कमर्शियल्स है, समझ रहे हैं आप. तो ये तमाम वो चीजें हैं
जो जो हम मीडियम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और फिर विद इन दोज मीडियम्स कौन से मीडिया वहीकल्स हैं, यानी कि आउट फॉर एग्जांपल प्रिंट एड है तो क्या अखबार में आप छाप रहे हैं या आप मैगजीन में छाप रहे हैं, कौन से मैगजीन कौन से अखबार, ठीक है। इसी तरह अगर आप टीवी कमर्शियल है आपका, टेलीविजन कमर्शियल, टेलीविजन एडवर्टीजमेंट, तो वो किस चैनल पे जाएगा या चैनल्स पे जाएगा, एंटरटेनमेंट चैनल, फूड चैनल, म्यूजिक चैनल, टीवी चैनल, राइट, स्पोर्ट्स चैनल, तो ये मुख्तलिफ सेट्स है ना, कैटेगरीज हैं विद इन विद इन यू नो टेलीविजन व्यूइंग। फिर मैसेज इट सेल्फ, हाउ इज इट गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड, हाउ इज इट गोइंग टू बी फॉर्मुलेटेड, वॉट इज द कॉपी गोइंग टू बी लाइक इन केस ऑफ प्रिंट और आउटडोर, और अगर टेलीविजन कमर्शियल है तो या इलेक्ट्रॉनिक कमर्शियल है, अगर रेडियो का है तो उसमें साउंड्स क्योंकि हैं, विजुअल्स तो है नहीं, तो आप नैरेटिव कैसा होगा, वॉइस कैसी होगी, और बैकग्राउंड में क्या कोई म्यूजिक स्कोर है या कोई और चीज़ है, एलिमेंट्स हैं, वो आपने उसको देख रहे हैं, उसकी सीक्वेंसिंग करनी है, उसकी सिलेक्शन करनी है। इस तरह विजुअल यानी कि टेलीविजन कमर्शियल है तो उसमें तो आपको इस पूरी स्टोरी बोर्डिंग करनी पड़ेगी और उसके लिहाज से हर सीन को फिर वेल डिफाइंड करना पड़ेगा, एंड देन यू गोइंग, और जो मैसेज उसके अंदर जा रहा है, जो नैरेटिव जा रहा है, वो भी बहुत स्ट्रांगली देखना पड़ेगा कि प्लानिंग पे कैसा है और एग्जीक्यूशन पे वो कैसा है। तो सिर्फ प्लानिंग की हद तक नहीं है, स्टोरी बोर्डिंग की हद तक नहीं है, एग्जीक्यूशन की हद तक भी है कि इसको आपने एग्जैक्टली उसको इम्प्लीमेंट भी वैसे ही करना है जैसे आपने उसको स्टोरी बोर्ड किया है। फिर टारगेट ऑडियंस यानी कि रिसीवर्स आपके जो हैं, आपके कंज्यूमर्स, टारगेट ऑडियंस जो हैं, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो किस पैराहे में एक चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं। इसको हमने बात की थी पीछे SRC सेल्फ रेफरेंस क्राइटेरिया के हवाले से, तो ये भी एक कहा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। फिर फीडबैक जो टारगेट ऑडियंस से ली जाती है, ब्रांड जो लेता है, अबाउट द मैसेज, राइट, अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब ये जिस तरह अगर आप ये एड देखें तो ये HSBC का एक प्रिंट एड है जो उनके जो मुख्तलिफ अखबारों में वर्ल्ड ओवर भी गया, जो प्रिंट एड्स मैगजीन्स में भी आया, और ये इन्होंने क्योंकि ग्लोबल बैंकिंग की बात कर रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि एक हाथ का जो जेस्चर है वो मुख्तलिफ मुमालिक में इसके क्या माने हैं। फिर नेवर अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल नॉलेज, वो ये कह रहे हैं, ठीक है ना, और वो बता रहे हैं कि बैंक जो HSBC है, हांगकांग शंघाई बैंक कॉरपोरेशन, जहां पे बिजनेस करता है वहां के लोकल कस्टम्स को जानने की कोशिश करता है। ये देखिए ये अपने ब्रांड की तारीफ कर रहे हैं, मगर बात इन्होंने बिल्कुल नटशेल में की है जो हर मार्केटियर को समझना चाहिए कि यू शुड नेवर अंडर एस्टिमेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ लोकल नॉलेज, ठीक है ना, और लोकल कस्टम्स, लोकल ट्रेडिशंस, क्योंकि उसी बेसिस पे आपके ब्रांड की सक्सेस फैक्टर भी है। क्यों? क्योंकि आपने माइंड शेयर डेवलप करना है, परसुएड करना है अपने टारगेट ऑडियंस को ब्रांड के बारे में पॉजिटिवली, राइट, और वो जब आप परसुएड करेंगे ना, वो आप इसलिए करेंगे कि आपने एटीट्यूड बिल्ड करना है, आपने एक लॉयल्टी फैक्टर लेके आना है, आपने ब्रांड को टारगेट ऑडियंस के वो सेट में डालना है। अगर आप किस तरह करेंगे, सिर्फ फंक्शनल बेनिफिट्स को हाईलाइट करके तो नहीं करेंगे ना, आप इमोशनल ब्रांडिंग भी करेंगे। तो जब आप इमोशनल ब्रांडिंग करेंगे उसके लिए टारगेट ऑडियंस की प्रोफाइलिंग करनी जरूरी है, उसके लिए टारगेट ऑडियंस के कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को, कल्चर को, हेरिटेज को, थिंकिंग प्रोसेस को जानना कि वो किस तरह फॉर्मुलेट करते हैं बहुत जरूरी है, ठीक है। जिस तरह आप अपने इर्द गिर्द देखते ना, मीडिया, न्यूज चैनल, TV ड्रामास वगैरह, इसमें एक बेरबतगी है, इसके अंदर एक कनेक्ट नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं हमारी TRP रेटिंग बहुत है, लोग बहुत इसको खुशी से देख रहे हैं, तो ये कौन कह रहा है आपको? इंडिपेंडेंटली तो आपको कोई नहीं, अगर आप वैसे अगर कभी देखें तो हो सकता है आप यूल फाइंड आउट टू योर सरप्राइज एंड शॉक दैट इट इज कॉन्ट्ररी टू व्हाट द मीडिया इज टेलिंग यू कि जी ये प्रोग्राम बहुत पसंद किया जाता है, लोग बहुत। अब आप चाहे मॉर्निंग शोज देख लें, उसमें जो मतलब बेहूदगियां ही कहूंगी ये, या आपके कल्चर से हटके चीजें बहुत सारी बताई जाती हैं, आपके ख्याल में लोग खुशी से देखते हैं, पसंद से देखते हैं, या देखते भी हैं कि नहीं? नहीं, आई डोंट थिंक सो।
आई थिंक इट इज ओवर रेटेड जो आपको मीडिया बताता है कि ये प्रोग्राम बहुत पसंद किया जा रहा है. जो प्रोग्राम बहुत पसंद किया जाता है वो आपको मीडिया से नहीं पता चलता, वो आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों से पता चलता है. आपके चार दोस्त हैं, चार दोस्त अगर उस प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो पॉपुलर है. हो सकता है वो मीडिया में उसका जिक्र ही ना हो. आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरह कई मतलब एग्जाम, मैं आपको एग्जाम्पल एक देती हूँ कि पिछले कुछ ऐसा पहले एक ड्रामा हम टीवी पे आया था, हम सफर के नाम से. कहानी पुरानी थी, स्टोरी लाइन पुरानी थी, डायलॉग्स कोई ठीक थे, मगर उस ड्रामे में एक कशिश थी. वो अनएक्सप्लेनेबल कशिश थी जो पूरा स्टोरी, कास्ट, सिनेमाटोग्राफी, एवरीथिंग जस्ट कम केम टुगेदर. तो रीसेंट टाइम्स में वो पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री में एक बहुत ही उसने आइकॉनिक स्टेटस उस ड्रामे ने ले लिया हम सफर ने, क्योंकि जो उसकी टारगेट ऑडियंस थी प्राइमरीली उसकी टारगेट ऑडियंस फीमेल थी ऑफ ऑल एजेस, जो समझ सकती हैं ड्रामास को. छोटे बच्चों को तो नहीं मैं कहूंगी, मतलब टीनेज गर्ल्स से लेके अब 50 प्लस तक खवातीन, दे यूज टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड एंड वॉच दैट ड्रामा. नाउ दैट इज कि आपके पास जब इतने चैनल्स हों अवेलेबल और आपके पास घर में एक रिमोट कंट्रोल वॉर भी चल रही हो कि लोग ये ले रहे हैं वो ले रहे हैं, उस पे आप कंट्रोल करके कहेंगे नहीं यही देखना है भाई. एंड यू नो द एंटायर हाउस होल्ड इज, यही होता है ना घर में कि जब एक चैनल लगा होता है फिर सभी देख रहे होते हैं उसे. तो एवरीबडी गॉट हुक्ड ऑन टू इट एंड इट रीच्ड इनॉर्मस प्रोपोर्शन. तो वो एक आइकॉनिक स्टेटस था जिसके बारे में किसी ने भी ये नहीं कहा कि जी हम का ये जो हम सफर है टीवी पे नहीं आया, कोई न्यूज आइटम नहीं आया. बट इट वॉज, आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको पता चलेगा कि लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं. तो नॉट नेसेसरीली जो मीडिया आपको कहता है वही सच है, बल्कि वो जो कहते हैं वो उनका सच है, वो रियलिटी से हट के भी हो सकता है या तस्वीर का एक रुख भी हो सकता है. तो इट इज, दैट इज नॉट गुड मार्केटिंग फ्रॉम अ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव, दिस इज नॉट गुड. And people form opinion about such channels too. देखने पे मजबूर हैं, हो सकता है उससे भी माठे चैनल अवेलेबल हो. तो यू नो व्हेन यू आर व्यूइंग, बहुत दिल गुर्दे का काम है कि आप अपने नफ्स को मार के कोई चीज ना करें. तो बट लाइक यू नो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो फिर आपके पास मजबूरी का आलम है. और इसी का फायदा उठा के बहुत सारे चैनल्स जो हैं उन्होंने अपनी हेजमनी बनाई हुई है. सो मार्केटिंग का रूल ऑफ थंब है कि नो योर कंज्यूमर्स बिकॉज दे आर गोइंग टू हेल्प यू attain what your objective is all about. Issues in credibility of informal sources, ये बहुत importance रखता है. Credibility of formal sources, ये बहुत माने रखता है. Credibility of spokespersons and endorsers, ये बहुत माने रखता है. और इसका हमने पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल वसीम अक्रम की भी दी हुई थी. और मैसेज इन इट सेल्फ हाउ क्रेडिबल इट इज, ठीक है, जो कम्युनिकेट आप कर रहे हैं वो कितना कोई खास है या वो कोई कितना इंपॉर्टेंट है. मैं आपको एग्जांपल एक ब्रांड की देती हूँ, ठीक है, और वो आप जानते भी हैं क्योंकि पाकिस्तानी एग्जांपल है. पाकिस्तान में एक ब्रांड है सेल फोन्स का, क्यू मोबाइल, ठीक है. अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में बड़ी कहानियां हैं अबाउट इट्स कंट्री ऑफ ओरिजिन, ठीक है जी. कंट्री ऑफ ओरिजिन के बारे में देखें, आम लोग भी जानना चाहते हैं ये ब्रांड कहाँ का है. क्यों? क्योंकि इससे उनको उस ब्रांड की क्रेडिबिलिटी, उसके फंक्शनल क्रेडिबिलिटी पता चलती है. तो आप मार्केट में जाएं और आप जब जहां से क्यू मोबाइल आप या मोबाइल ले रहे हैं तो क्यू मोबाइल का पूछें ये कहाँ का ब्रांड है, तो वो आपको कहेगा ये कोरिया, या कहेगा ये चाइना का, ठीक है, ये चाइनीज ब्रांड. अच्छा, मैं आपको बताऊं, ना ये कोरिया का है और ना ये चाइना का है. ये मैन्युफैक्चर जरूर चाइना में हो रहा है. देयर इज अ डिफरेंस. Country of origin is not country of manufacturing. जैसे Nike is an American brand, Apple is an American brand, right? iPhone वगैरह जो आप देखते हैं, मगर ये manufacture कहाँ पे होते हैं? China में. तो इसका मतलब ये तो नहीं कि Nike और Apple Chinese brand है, नहीं. Country of origin इनकी America, US, United States of America. इसी तरह Q Mobile की assembling, manufacturing जो है China में होती है, मगर ये ब्रांड चाइनीज नहीं है. ये ब्रांड पता है कहाँ का है? ये ब्रांड इंडिया का है. आपको हैरानगी होगी, शॉक लगेगा, ये आप कहेंगे तो क्या, बिल्कुल कुछ भी नहीं. मगर ये है कि ये इंडिया का, आप कहेंगे कि नहीं नहीं क्यों मोबाइल की वेबसाइट पे लिखा है फला फला,
वो क्यू मोबाइल पाकिस्तान के लिए ऑपरेशनल नाम है, क्यू मोबाइल। क्यू मोबाइल दुनिया में और कहीं नहीं है, आप चाहें तो वेबसाइट से वेरीफाई कर लें। ऑन द अदर हैंड माइक्रोमैक्स इंडिया की एक कंपनी है जिसके तमाम जो यूनिट्स हैं वो सेलफोन बनाते हैं, इंडियन कंपनी जो माइक्रोमैक्स है, तो वो खुद नहीं ना बनाते हैं, वो चाइना में बनवाते हैं क्योंकि उनको कॉस्ट कम पड़ती है। तो जब वो चाइना से ये बनवा रहे होते हैं तो एक सेक्शन वो अपनी, क्योंकि जितने आप डुअल कोर और पता नहीं क्या क्या वो आप सारे देखते हैं ना, ये माइक्रोमैक्स के जो वर्जन, सॉरी क्यू मोबाइल के जो फोन्स हैं, ये तमाम के तमाम वही मॉडल्स हैं जो इंडिया में माइक्रोमैक्स देता है। तो वो वहीं पे अपनी जो उनका जहाँ पे जिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से इनकी बातचीत है वहीं पे ये प्रिंट ये क्यू मोबाइल के 20 सेट्स बनवाते हैं, उस तादाद में नहीं बनाते जितने इंडिया के माइक्रोमैक्स के लिए बनते हैं, मगर कमोबेश सारे इधर आते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज क्लियर है, मतलब ये मुस्तनद चीज है, मैं कोई मनगढ़ंत आपको बात नहीं कर रही हूं। वेरिफिकेशन के लिए आप वेबसाइट्स भी, उनकी कंपनी वेबसाइट्स देख सकते हैं। अब दूसरी चीज जो माने रखती है, इम्पोर्टेंट रखती है, इम्पोर्टेंस रखती है, वो ये है कि क्यू मोबाइल का एक एड, दो तीन एड चले, उनके तो बड़े चलते हैं, वो जो उनका हैवी फोन है जो 21-22 हजार का है या 25 हजार का है, बड़ा वाला फोन जिसकी शान ने एडवर्टाइजमेंट की, उसके बाद एक वो एक इंडियन उनका फिल्म एक्टर है उसने बताया। अब मैं उस एड की तरफ आ रही हूँ, ठीक है। उस एड में कहा कि मैं ये तेज नहीं हूं, मतलब मैं से मुराद के क्यू मोबाइल वो जो फोन है, मैं तेज नहीं हूं, दूसरे लोग मुझसे पीछे रहते हैं, यानी कि दूसरे ब्रांड्स मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, और इसी तरह के मैं ऐसा नहीं हूं, दूसरे लोगों में कमी रहे। अब देखें जो हम मैसेज क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मैं आपको एग्जाम्पल मैसेज क्रेडिबिलिटी के हवाले से दे रही हूं। अब आपको भी पता है और मुझे भी पता है ये बात सच नहीं, अगर ऐसी बात होती तो सैमसंग या और कोई फोन जो उस कैटेगरी में, स्मार्टफोन कैटेगरी में है, वो वर्ल्ड ओवर, पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड ओवर हाई नहीं होते। या एप्पल का आईफोन आप देख लें, वर्ल्ड ओवर हाई नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी फंक्शनल बेनिफिट्स, परफॉर्मेंस, स्पीड इज फार बेटर देन क्यू मोबाइल। सिंपल रूल है, वरना क्यू मोबाइल आज दुनिया में टॉप होता, सिर्फ पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, और पाकिस्तान में भी वो टॉपो टॉप नहीं है स्मार्टफोन कैटेगरी में। टॉपो टॉप से मुराद के हायर रैंकिंग, आप मेरी बात समझ रहे हैं, इट्स अ स्मार्टफोन विद अ चीप प्राइस टैग, और अंडरस्टैंडेबली सो, ये मैं नहीं कह रही कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बट इट्स नॉट बेटर देन आइदर सैमसंग और एप्पल्स आईफोन। ये मैसेज क्रेडिबिलिटी फ्लॉ है, ठीक है। तो जिन लोगों ने ट्राइड एंड टेस्टेड किया है क्यू मोबाइल, उनको भी पता है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको भी पता है। वरना आप जाके इसका सिंपल टेस्ट किया है, एज अ कंज्यूमर आप जाइएगा, जब आप ना भी लेना हो ना मोबाइल फोन, आपने मोबाइल फोन की आपकी जो भी वहां पे लोकल मार्केट है, आप जाइए आपके शहर में जो भी लोकल मार्केट है, ठीक है, जैसे पिंडी में सिंगापुर प्लाजा है, तो आप जाइए वहां पे जाके किसी भी मोबाइल वाले से क्यू मोबाइल भी निकलवाइए जो इनका डुअल कोर वाला है, और सैमसंग भी निकलवा लीजिए जो स्मार्टफोन है, गैलेक्सी निकलवा लीजिए, उनकी रेंज गैलेक्सी की है ना, जो स्टार 10,000 से शुरू होता है उनका, और उसके बाद और बढ़ते जाते हैं, और फिर S4, S3 ये सारे जो हैं, ये S4 महंगा है, नोट महंगा है उनका। अब आपने क्या करना है, अब आप उससे पूछिएगा ये प्राइस डिफरेंस क्यों है, टॉप ऑफ द रेंज क्यों मोबाइल के निकलवा लें, टॉप ऑफ द रेंज सैमसंग के निकलवा लें, और उससे पूछे ये प्राइस डिफरेंस क्यों है 50,000 का, ठीक है, 40-50 हजार का प्राइस डिफरेंस क्यों है। अगर ये फोन भी वही प्रोडक्ट फीचर्स हैं, वैसी क्वालिटी है, तो आपको वो दुकानदार भी कहेगा ये प्राइस डिफरेंस, बेशक वो आपको कहे क्यों मोबाइल ले जाएं आप, क्योंकि ये सस्ती कीमत है, या जो भी, तो पूछो सस्ती कीमत है क्यों, अगर ये इतना ही अच्छा है तो ये इसकी प्राइस ऊपर होनी चाहिए थी, सैमसंग की प्राइस नीचे होनी चाहिए थी, आपको पता चल जाएगा। सो ये बात हमेशा जहन में रखिए कि प्राइस, एक प्राइस जैसा कहना है, द प्राइस दैट यू, हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी बात करते हैं, व्हाट इज द प्राइस दैट वी हैव टू पे टू गेट दिस थिंग, राइट, यानी कि आपको अच्छे
हालात अपने करने हैं तो आपको उसकी भी कीमत एक अदा करनी पड़ती है, मेहनत करके, पेट काट के, ये एक महावरतन भी है। तो आप जब कोई चीज़ लेते हैं उसकी कीमत अदा करते हैं, तो वो कीमत जो है उस चीज़ की है, राइट, उसकी परफॉर्मेंस की है, फंक्शनल बेनिफिट्स की है, इमोशनल बेनिफिट्स की है, तो उसकी कीमत लगती है। हाँ, मेरी बात समझ रहे हैं? कोई भी दुनिया में मैन्युफैक्चरर ऐसा नहीं है जो कॉस्ट के ऊपर 2 रुपए लगाएगा या 1 रुपए लगाएगा, वो उसके ऊपर बहुत रुपए लगाएगा जो प्राइस करेगा हमें, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर प्राइस कम है तो क्यों कम है? तो ये मैसेज क्रेडिबिलिटी की एग्जांपल आपको मैंने क्यों मोबाइल के उस एड से दिए कि ये मैसेज की क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं है, यू नो इट्स नॉट गुड। इसी तरह एक यूनिलीवर का एक ब्रांड है सनलाइट, उन्होंने अपने हमने इसके भी इस ब्रांड को भी डिस्कस किया पीछे के, पहला जब पाकिस्तान में लॉन्च इन्होंने सनलाइट किया था तो नूर और शान को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एज दे ब्रांड एम्बेसडर, एंड इट वाज इंस्टेंट सक्सेस जो कम्युनिकेशन वो कैंपेन थी। फिर अब इन्होंने कुछ अर्से पहले अली जफर को एज ब्रांड एम्बेसडर लेके आए। अच्छा, वो ऐसा टाइम था जब अली जफर हर चीज में ब्रांड एम्बेसडर बन रहे थे, लेज के चिप्स के लिए भी, पेप्सी के लिए भी, और फोन कंपनी मोबाइल मोबिलिंग के लिए भी, और एक दो और ब्रांड्स उनके लिए भी, और इसमें भी सनलाइट में। और उन्होंने जो मैसेज जिस तरह प्रोजेक्ट उनका कसूर नहीं है, ये तो ब्रांड का कसूर है ना, मगर जिस तरह मैसेज कन्वे किया गया, जिस तरह मैसेज प्रमोट किया गया, उसकी क्रेडिबिलिटी भी डाउट हुआ। तो दैट और जब उसको फीडबैक मिली यूनिलीवर को ऑन सनलाइट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कैंपेन जो अली जफर को स्टार कर रही थी, फिर लोगों को, ब्रांड को अंदाजा हुआ कि नहीं, ये हमें रिकॉल करना चाहिए और हमें इसकी जगह कोई बेहतर चीज ऑफर करनी चाहिए, मतलब कोई अच्छी कैंपेन जो डैमेज कंट्रोल कर सके। डैमेज, अब आप वो एड देख, वो हम किसी टाइम पे जरूर उस एड को डिस्कस करेंगे इस कोर्स में, सो यू वुड अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो कीप दैट एज अ टैग, आप इसे टैग कर लें। अच्छा जी, फिर इंडोर्सर क्रेडिबिलिटी, अभी जिस पे हम बात करेंगे कि इंडोर्सर क्रेडिबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट व्हेन मैसेज कॉम्प्रिहेंशन इज लो, जब लोगों की समझ बूझ फहम कम है उस प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में, तो इंडोर्सर क्रेडिबिलिटी बहुत माने रखती है। जैसे सेंसोडाइन टूथपेस्ट है जो दांतों को प्रोटेक्शन देता है, एक मेडिकल टूथपेस्ट है, तो उसमें डेंटिस्ट का आना, प्रोमिनेंट डेंटिस्ट का आके वाउच करना, दैट मैटर्स अ लॉट। मैच मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स एंड एंडोर्सर एट्रीब्यूट्स। तो अब यही वो कल वाली बात, वसीम अकरम का क्या काम डिटर्जेंट से, या अली जफर का क्या काम डिटर्जेंट से। तो हम कह सकते हैं कि अली जफर तो एक मीडिया एंटरटेनर है, तो चलें ठीक है, ओके फाइन, मगर द वे यू प्रमोटेड इट वॉज काइंड ऑफ यू नो नॉट, मतलब ना वो सलमान खान है और ना वो इतने पॉपुलर हैं अमंग द फीमेल पॉपुलेशन, हाउस होल्ड नेम नहीं है वो, ठीक है जी। क्रेडिबिलिटी इज हायर व्हेन एंडोर्सर्स डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ टारगेट ऑडियंस, ये बहुत माने रखती है और वसीम अकरम और अली जफर के केसेस में बहुत वैल्यू रखती है कि इसी वजह से ये जो दो PNG और यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स हैं, इनकी ये कम्युनिकेशन प्रोसेसेस सफर की। इंडोर्सर क्रेडिबिलिटी इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर कॉर्पोरेट क्रेडिबिलिटी, ये बात ये बिल्कुल सिंपल है, मगर इट कैन डैमेज कॉर्पोरेट क्रेडिबिलिटी कि यार ये इतने पुठे जहन के हैं, हमें कम जहन समझते हैं, इनका दिमाग नहीं है कि ये नहीं सोच सकते कि कैसे बंदे को लेके आए जो सूट करता है, और इसलिए ब्लंडर्स करते हैं ना। ब्लंडर्स आप करते भी हैं और आप यू थिंक यू कैन गेट अवे विद इट, बट इट हार्म्स योर ब्रांड्स परफॉर्मेंस इन द फील्ड इन द मार्केट, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आपको, मैं इसी एंडोर्सर के हवाले से आपको ये आपको एड दिखाना चाहती हूँ, एंग्रो केमिकल्स का है, एंग्रो रुपया, आप देखिए और फिर हम इस पर डिस्कशन करते हैं। रुपया खुशियां घर लाएगा, रुपया घंटी बजाएगा, रुपया खाब दिखाएगा, ताज पहनवाएगा, मीठी ताबीर बन जाएगा,
रुपया सेज सजवाएगा, नजर उतरवाएगा, मकान को घर बनाएगा, दाल पे तड़का लगवाएगा, मुबारक सफर करवाएगा, रुपया खुशहाली लाएगा, सब्जा लहराएगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपके रुपए को मिलेगी एक नई पहचान। पेश है एंग्रो रुपया सर्टिफिकेट, जहां मिलेगी आपके ख्वाबों की सबसे बड़ी ताबीर। 14.5% सालाना एंग्रो रुपया सर्टिफिकेट। लिव लाइफ टू योर मनी। अच्छा, अभी आपने ये एड देखा एंग्रो केमिकल्स का, एंग्रो रुपया, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट एड था। इसमें बस लोगों ने शेयर डाले, ये जनरेट कर रहे थे एंग्रो। इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री आपको बता रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि लोगों ने इसके बारे में पता किया, अखबार में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई। जब जारी बात है इन्वेस्टमेंट करनी थी तो लोग, द पीपल वांटेड टू नो, सो एंग्रो हैड टू गिव एन इन्फॉर्मेशन। और ये दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट, आई थिंक फर्टिलाइजर या इस तरह का यूनिट जो है वो ढारकी में लगा हुआ है, और उसके लिए फंड्स इकट्ठे करने थे, और उन्होंने लोगों से कहा कि आप इसमें पिचन करें। एंड पीपल डेड स्पेशली आफ्टर व्यूइंग दिस एड। ये एड इतना किसी चीज़ की पॉपुलैरिटी की इंडेक्स ये भी है पाकिस्तान में कि अगर उसके बारे में नेगेटिविटी भी आए, इस एड के बारे में एक स्पूक जोक्स भी बने हुए थे, बट दिस एड वॉज इमेंसली पॉपुलर। एक विजन फैक्ट्री वालों ने बनाए थे, आसिम रजा ने। आसिम रजा इज एक्सेप्शनली टैलेंटेड क्रिएटिव डायरेक्टर। वी आर लक्की, पाकिस्तान इज लक्की दैट वी हैव पीपल लाइक हिम। फिर एंग्रो के वो तमाम प्रोडक्ट्स को वो ही हैंडल करते हैं, स्पेसिफिकली एंग्रो फूड्स के। अच्छा, अब जो क्रिएटिव एड्स वगैरह जो बनते हैं उनके, अच्छा अब ये हुआ कि इसमें इन्होंने शान को लिया एज ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, शान की एक अपनी न्यूसेंस वैल्यू है, बहुत हाई इन टर्म्स ऑफ गो के वो फिल्म में अब एक्टिंग नहीं करते। इनफैक्ट यू डोंट सी हिम एक्टिंग। अभी सिर्फ एक उनकी एक रीसेंट फिल्म आई है जो हाईली रिकमेंड, अगर आपने आपको देखने का मौका कभी ना मिला हो तो आप ज़रूर उसकी DVD या उसका टॉरेंट डाउनलोड करें, और वो वार फिल्म है। तो खैर, हम शान आमतौर पर उमूमन वैसे आते नहीं हैं फिल्मों में, ना ही वो ड्रामास में आते हैं, मगर उनकी न्यूसेंस वैल्यू फिर भी बहुत है। और वो जब भी एड में आते हैं उस एड को चार चांद लगा देते हैं, उस ब्रांड की अहमियत को बढ़ा देते हैं। उनकी पर्सनैलिटी, उनके में वो ऑरा है जो कि यू नो काइंड ऑफ उनको एक स्टार स्टेटस है एज अ ब्रांड एम्बेसडर। ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है, अनएक्सप्लेनेबल फिनोमेना है। अच्छा, अब अगर आप ये एड देखें, इसमें नैरेटिव चल रहा है, पीछे हल्की सी बैकग्राउंड म्यूजिक है, और स्लाइस ऑफ लाइफ वो बताया हुआ है उन्होंने, और एक इमोशनल अपील है इसके अंदर। ठीक है, और वो तमाम चीज़ें देख के, एक एक जो आपको डिफरेंट इसमें सेगमेंट्स नजर आए, आप ये नहीं कह सकते ये पाकिस्तान में तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेशक आपके घर में ना होता हो, मगर आपको पता है डिफरेंट सोशल क्लासेस हैं, उन सब में ये ज़रूर कहीं ना कहीं होता है, राइट? ये फिक्रें, ये सोचें, ये फ्यूचर प्लानिंग, ये सब सोशल क्लासेस का, ये तमाम पाकिस्तानियों का यकसा, यानी कि ये सांझा जो कहते हैं ना थॉट्स हैं। एंड दैट्स वाई दिस एड क्लिक्ड लाइक एनीथिंग। इट वाज ब्यूटीफुल, और इट जनरेटेड अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी। पीपल वांटेड टू नो व्हाट एंग्रो रुपया वाज। सो एंग्रो देन गेव आउट इसके साथ इस एड को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इंफॉर्मेशन के किस तरह। और जब ये खुला ओपन फॉर यू नो कि आप इसके अंदर आप अपने वो डालें पैसे, उसके ऑब्वियसली रिटर्न्स भी हैं जो एज कम्पेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट काफ़ी आया था। पीपल इन्वेस्टेड इन इट, राइट? बहुत इन्होंने पैसे रेज किए, अपने जो रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा रेज किए, और यू नो सो कहने का मकसद ये है कि एंडोर्सर की क्रेडिबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है, मगर एज बिग नहीं जैसे ब्रांड की क्रेडिबिलिटी होती है। एंडोर्सर हेल्प करता है ब्रांड को ऊपर लेके जाने के लिए, और अगर एंडोर्सर की अपनी क्रेडिबिलिटी डाउट में हो तो वो
ब्रांड का सत्यानाश कर देता है, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल दिखाई थी अबाउट एंडोर्सर्स क्रेडिबिलिटी, और ये फिनोमेना भी जो अनएक्सप्लेनेबल है कि ये एक्टिव नहीं है आर्टिस्ट शान जो है, उन्होंने जो जब हमारी लॉलीवुड इंडस्ट्री काम करती थी फिल्म इंडस्ट्री, तब उन्होंने जो फिल्में बनाई सो बनाई, इक्का दुक्का उनकी कोई आती है, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्में इक्का दुक्का ही बनती हैं और इक्का दुक्का ही रिलीज होती हैं, ठीक है। तो शान कोई एक्टिवली काम नहीं करे, जो आप कहते हैं ना कि नदीम को जिस तरह इतने पुराने यस्टी ईयर के एक्टर्स हैं एक्टर हैं मगर वो अभी भी ड्रामास में आते हैं। संगीता को देख लें कि वो फिल्म बनाती नहीं है मगर वो ड्रामा प्रोडक्शन में है और वो अभी भी ड्रामास में आती हैं, मगर शान ये नहीं करते, ठीक है। तो जो एक आम टारगेट ऑडियंस के लिए माने रखता है, शान फिल्मों में नहीं आ रहे, शान ड्रामा नहीं कर रहे, मगर शान की पॉपुलैरिटी अमेजिंग है, ब्रांड उनके पीछे भागते हैं उनको लेने के लिए, राइट। शोज में वो होस्टिंग भी कर देते हैं क्योंकि पीपल आर गोइंग क्रेजी। सो यू लुक एट शान एंड यू थिंक ओह वाओ, ये जो वाओ फैक्टर है शान के साथ, ये एक अनएक्सप्लेनेबल फिनोमेना है कि बंदा काम नहीं कर रहा एक्टिव जिस फील्ड से वो जाना जाता है एज एन एक्टर, मगर फिर भी देर इज अ वाओ फैक्टर, ब्रांड्स गो आफ्टर हिम, व्हाई, बिकॉज द टारगेट ऑडियंस लव्स हिम। और इसमें कोई डाउट नहीं है, जिस एड में शान चले जाएं उस एड को चार चांद लग जाते हैं, तो दैट्स व्हाई वो ब्रांड की क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करता है। और इसलिए एंडोर्सर हमारे पास वैसे भी एंडोर्सर को कोई माने नहीं रखते, मगर शान इज वन ऑफ दोज लकी पीपल जो एक सक्सेसफुल एंडोर्सर हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या होते हैं? सिलेक्टिव परसेप्शन, यानी कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह हम वो चीज़ें याद रखना चाहते हैं जो हमें क्लिक करती हैं, जो हमें पसंद आती हैं, जो हमें अच्छी लगती हैं, वो सिलेक्टिव रिटेंशन या सिलेक्टिव परसेप्शन होता है, ठीक है ना, कि हमने इसकी ये चीज़ पसंद कर ली तो बस सही है, बाकी उस कोई और चीज़ होगी जो हमें नहीं पसंद तो बस हमें नहीं पसंद, ठीक है ना। तो सिलेक्टिव परसेप्शन है, सिलेक्टिव रिटेंशन है, यानी कि वॉन्डरिंग, आपका जहन इधर उधर जा रहा होता है। वो जब मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल दी थी कि आपके साथ बैठ के कोई बात कर रहा है आपके सामने, आपका जहन कहीं और है, राइट, क्लटरिंग है, तो आप कहीं और निकल गए, उसकी बात पे आपने फोकस नहीं किया, ठीक है, वो बात पे जो आपको करनी चाहिए थी, वॉन्डरिंग होगी। जैपिंग, यानी जैपिंग और जैपिंग का मतलब इधर से उधर ख्यालों में, सोचों में, इधर से उधर आप चैनल भी चेंज कर रहे हैं, चाहे आपका माइंड चैनल चेंज कर रहा है या आप फिजिकली टीवी का रिमोट लेके चैनल चेंज कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें जैपिंग और जैपिंग, इधर से उधर कहते हैं जैपिंग और जैपिंग को। और चैनल सर्फिंग अभी हमने बात की, कॉम्बैट विद रोड ब्लॉकिंग, एक मैसेज आपको थ्रू नहीं हो रहा, वो आपको बता रहे हैं योर माइंड इज नॉट गेटिंग इट व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, यानी कि आपको एक तशरीह का एक सिलेबस के साथ आपको तशरीह भी लगा के दें तब आपको समझ में आए, वरना आम तौर पे इट्स नॉट अंडरस्टैंडेबल, राइट। तो इट हैज़ टू कम विद मैनुअल, यू आर नॉट गेटिंग द मैसेज थ्रू, तो ये रोड ब्लॉकिंग होती है। साइकोलॉजिकल नॉइज जो आपके दिमाग के अंदर चल रही है, कॉम्बैट विद रिपीटेड एक्सपोजर्स, कॉन्ट्रास्ट इन द कॉपी एंड टीजर्स, यानी कि you don't like the campaign because it is too much on your face or there is no clarity between the different mediums used to combine it to make it as an integrated marketing communication. So there is, wo kehte hain hall aur fail mein tazaad chal raha hai aur aapko samajh nahi aa rahi, so you kind of back off, aap usko apni pasandeedgi ki nigah se nahi usko admire kar rahe hain ya nahi dekh rahe hain ya nahi analyze kar rahe hain, to ye barriers to communication mein aa jate hain, noise का पार्ट है ये, ठीक है। अब अगर हम कम्युनिकेशन मॉडल यहाँ पे देख रहे हैं तो अगेन ये सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फिर आगे इसको डिकोड जब हो जाता है तो रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली, लाइक और डिसलाइक, मिसकॉम्प्रिहेंड, इसको गलत माने में लिया जाता है क्योंकि सेल्फ रेफरेंस क्राइटेरिया टारगेट ऑडियंस का डिफरेंट है, एज इन द ब्रांड फेल्ड टू easily comprehended and result ये हुआ कि फिर target audience ने भी आपका message comprehend नहीं किया, ठीक है। तो ये कॉम्प्रीहेंस इसके साथ अगर आप विजुअल देखें तो उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है हर पॉइंट को, और ये एक कॉम्प्रीहेंसिव कम्युनिकेशन मॉडल है, ठीक। फिर हम आते हैं इशूज इन डिजाइनिंग persuasive communication, persuasive to a favorable liking to a of the brand, to a positive attitude towards the brand. जो issues आते हैं in designing persuasive communication, वो communication strategy of the brand हो सकती है,
मीडिया स्ट्रेटजी होती है कि कौन से आप मीडियम को यूज़ करेंगे, मैसेज स्ट्रेटजी होती है कि आप क्या नैरेटिव पेश कर रहे हैं, क्या मैसेज आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल स्ट्रेटजी भी हो सकती है, कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटजी भी हो सकते हैं ब्रांड के, जो एक पर्सुएसिव कम्युनिकेशन को प्रॉबली ज़रा सा धक्का स्टार्ट पे डाल देते हैं, यानी कि ज़रा सा ब्लॉक कर देते हैं, या आप समझ लें कि हिंडर कर देते हैं, ठीक है, या मुश्किलात डाल देते हैं। ओके जी, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ परसेप्शंस, इट कंसिस्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड इट कंसिस्ट ऑफ मेमोरी। ये तमाम चीज़ें किसकी हैं? टारगेट ऑडियंस की, ठीक है। परसेप्शन अबाउट द ब्रांड, एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट द ब्रांड इफ देयर इज, और मेमोरी अगर आपने पीछे कभी यूज़ किया तो व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी यू होल्ड ऑफ दैट एक्सपीरियंस, राइट, ऑफ योर एक्सपोजर टू द ब्रांड। ये कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो ब्रांड को समझना चाहिए कि इन तीन कंपोनेंट्स के साथ वो अपने मैसेज को किस तरह कम्युनिकेट करेंगे कि वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट करे, एक फेवरेबल लाइकिंग डेवलप हो ब्रांड की कंज्यूमर्स के दिमाग में, माइंड शेयर का हिस्सा बने। मैं आपको ये ऐड दिखाना चाह रही हूँ जो कि इंडिया में वोडाफोन ने अपने साथ लिंक किया था ब्लैकबेरी को, और ये इंडिया में फॉर्मली लॉन्च हुआ। सो प्लीज हैव अ लुक एंड देन वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन इट। ये एड अभी आपने देखा, राइट। वोडाफोन इज अ यूरोपियन ब्रांड और वो इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, बिल्कुल इज अ टेलको सिमिलरली टू यू फोन, मोबिलिंक, वारेट, टेलीनॉर, जोंग जिस तरह पाकिस्तान में। अच्छा जी, तो खैर ब्लैकबेरी इज अ नोन नेम, काफी फेमस ब्रांड है, अमेरिकन ब्रांड है, ये कंट्री ऑफ ओरिजिन इसका अमेरिका का है। और ब्लैकबेरी के बारे में मशहूर ये था कि बिफोर द एडवेंट ऑफ आईफोन which completely wiped out BlackBerry's existence, अभी भी है मगर वो बात नहीं रही जो किस जमाने में थी, तो अमेरिका की मैं बात कर रही हूँ। तो BlackBerry जो है was considered a white collar phone, यानी कि executives, middle and high tier वाले जो होते हैं अमेरिका में वो BlackBerry को यूज़ करते थे। तो इसलिए आपने एड में शुरू में देखा वो चार पांच suited booted Indians हैं खड़े हुए, यानी कि executives बताया और वो कह रहे हैं कि आई एम ब्लैकबेरी बॉय, और उसके बाद साथ ही आपने देखा कि दे आर जॉइंड बाय यूथ, इंडियन यूथ, जीन्स पहने हुए, यू नो, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग यंगस्टर्स, और वो कहते हैं आई एम ब्लैकबेरी बॉय, और वो पहले वो सारे सूटेड बूटेड एग्जीक्यूटिव्स हैरान होकर देखते हैं, और फिर वो यू नो एंड एट दी एंड दिस एड वाज हाईली अप्रिशिएटेड इन इंडिया, वेरी वेल लाइक्ड इन टर्म्स ऑफ यू नो द जिंगल एंड ऑल दैट। और ये एड में उन्होंने दे शोड द चेंजिंग फेस ऑफ ब्लैकबेरी, ठीक है ना। यूएस में तो एग्जीक्यूटिव्स यूज करते हैं थे, और इसको प्रेफर किया गया है इंडिया में भी कि ये एग्जीक्यूटिव्स ब्रांड है, मगर मार्केट चेंज हो गई ब्लैकबेरी की फ्रॉम एग्जीक्यूटिव्स टू यूथ, यूनिवर्सिटी गोइंग यूथ, राइट, जो इन्होंने अभी जॉब ही नहीं स्टार्ट की। सो दिस हैपेंड एंड दे लाइक्ड इट, दे स्टार्टेड यूजिंग इट। अच्छा, उनके यूज करने, और ये उन्होंने ब्लैकबेरी ने बताया कि हमारी टारगेट ऑडियंस में एक शिफ्ट आया है, ठीक है, दैट इज वॉट दे शोड इन इंडिया।
और वो वोडाफोन ने कहा है कि आप हमारा सिम लें और साथ में ये भी ले लें, जिस तरह यू फोन डील करता है, जोंग करता है, टेलीनॉर करता है, के मॉडल आपको साथ वो दे रहे होते हैं। तो ये वोडाफोन की भी, ये बेसिकली ब्लैकबेरी का नहीं था बट वोडाफोन का था, और उन्होंने ये एड लगाया था ब्लैकबेरी, आई एम ब्लैकबेरी बॉय। कहने का मकसद ये, इसलिए बैकग्राउंड आपको पूरा रेड नजर आया, कहने का मकसद ये है कि उन्होंने बताया कि ब्लैकबेरी की शिफ्टिंग टारगेट ऑडियंस है यूथ, ठीक है, इंडिया में। अब ये यूथ को क्या शौक उठा यूनिवर्सिटी गोइंग, जो एक ब्रांड स्पेसिफिकली उनकी टारगेट ऑडियंस डिफाइंड थी कि ये हायर क्लास एग्जीक्यूटिव्स यूज करते हैं। इसका सिंपल ये है कि आपको, हमने शुरू में भी लेक्चर्स में जो हमने सेल्फ आइडेंटिटी की बात की थी, कंज्यूमर्स के दो पैराए होते हैं सेल्फ इमेज के, एक रियल सेल्फ इमेज जो करंट है, एक एस्पायर्ड सेल्फ इमेज। तो हम बचपन से गुड्डा गुड्डियों के भी खेल खेलते हैं, घर घर भी खेलते हैं, और ऑफिस ऑफिस भी खेल खेलते हैं, ये हमारा माइंड सेट है, ठीक है ना। तो ये कंज्यूमर्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट, व्हेन चिल्ड्रन आर ग्रोइंग दे प्ले अप ग्रोन अप गेम्स, ऑफिस ऑफिस भी खेलेंगे, घर घर भी खेलेंगे। तो एज यू ग्रो अप, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप एक एस्पायर्ड विजन रखते हैं कि मैंने ये बनना है जिंदगी में, दिस इज व्हाट आई वांट टू बी, राइट। सो जो चिल्ड्रन है, यूथ है आपका, दे वांट टू हैव यू नो हैवी ड्यूटी फोन्स और हैवी ड्यूटी स्टफ विद देम, व्हाई, बिकॉज दे वांट टू एस्पायर टू बी दैट, कि वो चीज होगी तो लोग कहेंगे ओह वाओ ब्लैकबेरी। अब वो कमा भी नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं, तो किस तरह, या पॉकेट मनी सेव करी होगी कहीं, मतलब उन्होंने तो फिर भेज, या माँ बाप से रिक्वेस्ट की होगी, तो अपना पैसे तो नहीं लगाए ना एज कम्पेयर टू द एग्जीक्यूटिव, मगर ये उनकी साइकी है। अच्छा, अब यही डिलेमा एक डाउनफॉल का भी हुआ ब्लैकबेरी के लिए, ये शिफ्ट इन टारगेट ऑडियंस, राइट, बिकॉज इट वॉज नो लॉन्गर बिकेम ए एग्जीक्यूटिव फोन, इट बिकेम ए मास्टर्स फोन, एंड उसकी वैल्यू कम हो गई, समझ रहे हैं, गो के आईफोन स्टार्टेड ऑफ एज ए मैसेस फोन, बट इट वॉज सो कूल स्मार्टफोन कि वो फटक फटक से जो है एग्जीक्यूटिव्स ने भी कहा कि ये तो होना ही है, बिकॉज इट वॉज सो कंपैटिबल, सो इजी टू यूज, सो क्विक टू यूज। और फिर दूसरे स्मार्टफोन्स आ गए जो एंड्रॉयड बेस्ड टेक्नोलॉजी पे थे, वो तो फिर मार्केट ही उन्होंने मतलब इधर से उधर कर दी, राइट। तो कन्वेंशनल फोन्स तो रहे नहीं, फिर आपके स्मार्टफोन्स पे दुनिया आ गई। कहने का मकसद ये है कि ये शिफ्ट जो है इन टारगेट ऑडियंस प्रूव्ड फेटल फॉर ब्लैकबेरी, राइट। तो बट दिस एड वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड इट शोड ए चेंजिंग ट्रांजिशन फ्रॉम वन सेट ऑफ टारगेट ऑडियंस डेमोग्राफिकली टू अनदर सेट ऑफ टारगेट ऑडियंस, ठीक है ना। तो इस एड की ये ब्यूटी थी, इसलिए आपको आपके साथ शेयर किया। परसेप्शन, एक्सपीरियंस, मेमोरी, ये सब मॉडल ऑफ एडवर्टाइजिंग अगर आप देखें तो प्री एक्सपीरियंस एक्सपोजर और पोस्ट एक्सपीरियंस एक्सपोजर ये तो इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं एडवर्टाइजिंग के। तो प्री एक्सपीरियंस एक्सपोजर में फ्रेमिंग परसेप्शन, आप परसेप्शन बिल्ड करते हैं, एटीट्यूड बनाते हैं आप। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशन, एंटिसिपेशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो आप परसेप्शन विदाउट ट्राइंग इट, ठीक है ना, इसलिए कह रहे हो प्री एक्सपीरियंस। तो पोस्ट एक्सपीरियंस में दो इम्पॉर्टेंट है, एनहांसिंग एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजिंग मेमोरी, या आपने अच्छा एक्सपीरियंस उस पर बिल्ड कर रहे हैं। मेमोरी आपकी चाइल्डहुड की है, बहुत पहले की है, तो यू आर ट्राइंग टू बिल्ड पॉजिटिवली ऑन दैट। तो एनहांसिंग एक्सपीरियंस में सेंसरी एनहांसमेंट, सोशल एनहांसमेंट, ऑर्गेनाइजिंग मेमोरी में आप योर क्यूइंग, योर ब्रांडिंग, योर इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। तो ये तमाम चीजें ब्रांड करता है विद द हेल्प ऑफ अ क्रिएटिव एजेंसी, एड एजेंसी जो है, ठीक है। आपको एड दिखा रही हूँ यू फोन का, इसका नाम है, टाइटल है इस एड का 5 का 15। तो प्लीज हैव अ लुक एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट। मिनट की कॉल करनी है और पूरे 15 मिनट हो चुके हैं। भैया इसमें कसूर इसका नहीं, पकड़े यू फोन का। यू फोन 5 का 15 पैकेज पर 5 मिनट बात करने के बाद अगले 10 मिनट बिल्कुल मुफ्त बात कर सकते हैं, यानी कुल 15 मिनट। क्या ये रियायत इस पैकेज से किसी भी यू फोन पर कॉल करने के लिए है? जी हाँ। क्या ये सहूलत 24 घंटे दस्तियाब होगी? जी हाँ। क्या शबू कार आने की समस्याएं इसी तरह चलेंगी? क्या
झटके अगली किस्त के लिए भी छोड़ दो यार। अच्छा जी, आपने ये ऐड देखा 5 का 15। अच्छा, इस अगेन यूफोन ने थ्रू आउट अपनी एक स्ट्रैटेजी रखी है कैंपेन की, आज से 8 साल तो हो गए इनको, कि वो ह्यूमर अपील लेते हैं और स्लाइस ऑफ लाइफ लेते हैं। अब यहाँ पे ह्यूमर अपील लेते हैं और थोड़ी ड्रामाटाइजेशन लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इन्होंने ऐड दिखाया है, इसमें इन्होंने इंडियन जो ड्रामास थे, क्योंकि जरा सा पुराना ऐड है, उस वक्त घर घर केबल पे जो है ना इंडियन सोप्स चलते थे, अब तो हमारे अपने चैनल्स दिखाते हैं इंडियन सोप्स, तो वो इन पर्टिकुलर स्टार प्लस के और वो टिपिकल जो उनके नखरे होते हैं ना, तो ये उन्होंने उसकी कॉपी की थी एंड इट वाज सो वेल लाइक्ड, ये 5 का 15 जो ऐड था, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा यू वुड नॉट, लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, कहते हैं जी इंडियन ड्रामे ज्यादा देखते हैं, वो फॉर फन एक्टिविटी देखते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, इसलिए देखते हैं, इसलिए नहीं देखते कि वो ड्रामा अच्छा है। आपको हैरत होगी जब ये ड्रामे बड़े पॉपुलरली घर में देखे जाते थे, क्योंकि हमारे अपने ड्रामाज इस काबिल नहीं थे आज से 6-7 साल पहले, क्योंकि एक ट्रांजिशन फेज में थे फ्रॉम पब्लिक PTV टू प्राइवेट चैनल वाला सिस्टम, तो वो हमारे अभी ग्रैपलिंग उसमें मोड में नहीं थे, हर किस्म का यू नो फिल्टर आउट। अब तो काफ़ी सीजन अच्छे ड्रामाज आते हैं हमारे पास, तो और अब इंडियन ड्रामास की व्यूअरशिप भी कम हो गई है, अनलाइक पॉपुलर मीडिया अजम्पशंस के बड़ी लोग पसंद करते हैं। खैर एनीवे, तो ये एक एक्सेस था कि अच्छी एंटरटेनमेंट है कि, और मगर ये सिर्फ फन एक्टिविटी होती थी, इसलिए कि अगर आप क्रिटिकली देखें तो सब लोग कहते हैं ओए पागल, इसको ये नजर नहीं आ रहा, वो नजर नहीं आ रहा, एक टिपिकल इंडियन ड्रामा। अच्छा, फिर हमारे अपने चैनल्स ने कॉपी करने, मैं इसकी एग्जांपल बता रही हूँ कि ये क्यों, इंडियन ड्रामास के पीछे दीवाने नहीं थे लोग, ना उनका फॉर्मेट पसंद था, इट वाज जस्ट लाइक यू नो जिस तरह की व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन इंडियन वाला एटीट्यूड है पाकिस्तान हमारा था, क्योंकि इसी टाइप के फॉर्मेट को आपके जियो और ARY ने कॉपी करने की कोशिश की, उनकी ये ड्रामे इतने पिटे कि इनको जो है वो ड्रामास बंद करने पड़े जल्दी, यू नो प्रीमेच्योरली, इसलिए कि पीपल हेटेड इट, और नेक्स्ट टाइम उन्होंने आपको जियो से ऐसे ड्रामास मिलना और ARY से बंद हो गए जो बिल्कुल इंडियन पैटर्न के फॉर्मेट पे थे। मैं ये नहीं कह रही कि उसमें वो जो चीज़ें दिखाते हैं अभी भी बहुत सारे ड्रामास में, कुछ ड्रामास में कुछ चैनल्स वो दिखानी चाहिए, मगर चलें ये हम किसी और दिन टॉपिक पे बात करेंगे। तो दिस एड बिकेम इमेंसली पॉपुलर बिकॉज इट टुक अ हिट ऑन इंडियन सोप्स एंड पीपल एंजॉयड इट बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस यू नो एंड इट वाज वेरी वेल लाइक्ड और लोगों ने बड़ा एंजॉय किया इस ह्यूमर को, और यूफोन का जो ब्रांड का एक इमेज है, जो परसेप्शन था वो फर्दर स्ट्रेंथन हुआ, ठीक है ना जी। तो यूफोन सारे टारगेट ऑडियंस वाले तो नहीं यूज करते, एक सेक्शन ऑफ द टारगेट ऑडियंस यूज करता है, ठीक है, मगर पूरी टारगेट ऑडियंस देखती है, तो यूफोन का इमेज जो है ना, परसेप्शन जो है या एटीट्यूड जो है बड़ा पॉजिटिव है रिगार्डिंग, बिकॉज उनके जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है इट हेल्प्स टूवर्ड्स द ब्रांड, इट गेट्स द मैसेज थ्रू अच्छी तरह लाउड एंड क्लियर और इन अ फेवरेबल मैनर, तो विच इज काइंड ऑफ यू नो हाईली रेकमेंडेड बाय एनी ब्रांड। अच्छा जी, मीडिया स्ट्रेटजी क्या है, कंज्यूमर प्रोफाइल्स बहुत जरूरी है, यही हमने बात किया है जानने के लिए कि सेल्फ रेफरेंस क्राइटेरिया क्या है, ऑडियंस प्रोफाइल्स आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उनका जनरली प्रोफाइल, अ कॉस्ट इफेक्टिव मीडिया चॉइस इज वन दैट क्लोजली मैचेस द एडवर्टाइजर्स कंज्यूमर प्रोफाइल विद द मीडियम्स ऑडियंस प्रोफाइल, ठीक है ना, ये वही बात कर रहे हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव मीडिया चॉइस वो होती है जो क्लोजली मैच करती है एडवर्टाइजर यानी कि ब्रांड के कंज्यूमर प्रोफाइल के दरमियान और जो लोग देख रहे हैं चैनल, टीवी चैनल देख रहे हैं उनके मतलब वो वही है ना ऑडियंस प्रोफाइल, तो उनके कि फॉर एग्जांपल टीवी कब देखा जाता है, क्या प्राइम टाइम है, क्या ये हम ब्रांड जब चलाएंगे कौन से चैनल्स पे ज्यादा मौजूद रहेगा, ठीक है, स्पोर्ट्स चैनल पे रहेगा, इस पे रहेगा, उस पे रहेगा, तो वो आपको एक सिलेक्शन लेनी पड़ती है और उसको फिर वैसे देखना पड़ता है। इमोशनल एडवर्टाइजिंग अपील्स, एडवर्टाइजिंग में अपील्स और फ्रेमवर्क से स्ट्रेटजी बनती है कम्युनिकेशन की, ठीक है ना,
तो फेयर है, ह्यूमर है, मॉरस है, ऑडियंस पार्टिसिपेशन इसमें माने रखती है जो इसमें आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं, और ये हमने कल भी इस पर थोड़ा बहुत बात की। मैं आपको एक ऐड दिखा रही हूँ जो बड़ी ईद पे 2013 में ये रिलीज़ किया था नेशनल फूड्स ने, और उसमें पाकिस्तानी यू नो ट्रेडिशन को लॉन्च किया था। नेशनल इज वेरी 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 इफेक्टिव इन डूइंग दैट। प्लीज हैव अ लुक एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट। लड़के वाले आने वाले हैं, खाने में कोई कमी न रहे। चिट्टा कुकर बने रे, चिट्टा कुकर बने रे, कासनी दुपट्टे वाली मुंडा से देखे ते मसाले। अच्छा, आपने ये एड देखा, ये एड मैं आपको बताऊं, जब ये चला था ना ईद से पहले ये लॉन्च हुआ था, पाकिस्तान में जो टीवी देखते हैं हार्डली कोई ऐसा बंदा होगा जिसने एड देखा नहीं और इसकी तारीफ नहीं की। अगेन यासिम रजा ने बनाया है, विजन फैक्ट्री का ये क्रिएटिव जो एजेंसी है और क्रिएटिव डायरेक्टर है और नेशनल फूड्स का है। और ये मैं जो बात कर रही हूँ ना, इसमें इस लेक्चर में भी आपने स्लाइड पे अपने विजुअल्स पे देखा कि कंज्यूमर प्रोफाइल जानना बहुत ज़रूरी है, टारगेट ऑडियंस प्रोफाइल जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस पूरे एड में उन्होंने कहीं ईद की नहीं बात की, जिस तरह और मसाला जात ने की, शान ने की या और कोई किसी ने मेहरान ने की कि ईद के उसमें तिक्के मसाला और कबाब मसाला और पता नहीं क्या, इन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की। ठीक है जी, आपने इनको देखा कि सटली वो बड़े सटल अंदाज से उन्होंने नेशनल मसाला जात के डब्बे लगाए हुए, पीछे पकवान बताया हुआ है, आगे यू नो एंड इट्स नॉट काइंड ऑफ ओवर बेयरिंग लाइक राइट इन योर फेस वाला कोई एटीट्यूड नहीं है, बड़ा सटल तरीके से कि आपकी स्टोरी मिस नहीं हो रही है एंड देयर इज दिस हैप्पीनेस इन यू व्हेन यू आर वॉचिंग दैट, यू नो गुड फील होती है ना एक आपको, तो वो इसके अंदर है। अच्छा, कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसने ये एड देखा हो और उसे पसंद ना आया, कोई भी, ठीक है, अमेजिंग बात है। और ये वो अमेजिंग बात नेशनल फूड्स ने की, और मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ, इस एड में उन्होंने कहीं ईद का जिक्र नहीं किया, और ये रिलीज ईद से पहले हुआ एड, ठीक है, फिर कंटिन्यू करता गया ईद की छुट्टियों में भी, ईद उसके बाद भी, इन्होंने कहीं पे भी ईद का जिक्र नहीं किया। इन्होंने किस चीज का जिक्र किया, बल्कि पूरी स्टोरी लाइन बिल्ड की शादी के घर में, शादी की तकरीबात में, यानी कि जो उसका शोर शराबा होता है, हल्ला गुल्ला होता है, फैमिली गेट टुगेदर होता है, खाने बन रहे होते हैं, शरारतें हो रही होती हैं, रिश्ते निभ रहे होते हैं, राइट। तो वो उन्होंने सारी चीज़ें आपको एक बैकग्राउंड में, एक बड़े ऑपुलेंट बैकग्राउंड में उन्होंने सिनेमाटोग्राफी एक्सलेंट वो बताया। अच्छा, आपको पता है क्या ये क्यों बताया है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्यों बताया उन्होंने, ये इसलिए बताया है कि अगर ये, और ये देखें, एक्सलेंट 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 मार्केटिंग कम्युनिकेशन है बाय नेशनल फूड्स टू अंडरस्टैंड योर कंज्यूमर प्रोफाइल, योर ऑडियंस प्रोफाइल, टू अंडरस्टैंड देयर कल्चरल बैकग्राउंड, देयर साइकोग्राफिक्स, एवरीथिंग, और उसमें अपनी स्ट्रेटजी को ये जो क्लिक की है ना, जो मैंने कहा कि कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने ऐड देखा उससे पसंद नहीं आया, बल्कि वर्ड ऑफ माउथ फैला है कि ये आपने ऐड देखा है, राइट। अच्छा जी, कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान एक वन ऑफ द, मैं शायद वाहिद मुल्क होगा, ये एक दो और होंगे ऐसे इस्लामिक मुल्क जहां पे ये एक सीजन आता है मुहर्रम के स्टार्ट होने से पहले, ईद के फौरन बाद, बड़ी ईद के, ये जो आपको 20 दिन मिलते हैं या 18-19 दिन मिलते हैं ईद के बाद, कि इसमें शादियां हो जाती हैं पैक्ड, हाँ, क्योंकि मुहर्रम आउट ऑफ रिस्पेक्ट
पाकिस्तानी जो हैं इसमें खुशी के त्यौहार या शादी ब्याह के मौके नहीं रखते आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर, बिकॉज वो बड़ा होलीएस्ट मंथ है मुहर्रम का, तो इसी मुहर्रम से पहले शुरू होने से पहले 29 या 30 जिलहज तक 10 के बाद से जो है शादियां शुरू हो जाती हैं। तो ये सीजन इस वक्त शादियों का होता है और हर कोई पाकिस्तान में कोई एक घर या एक से ज्यादा घर जानता है जहाँ पे उस वो दावत में मधु है शादी के, ठीक है। तो ये एन जाके फिट बैठा उस पूरे उस इमेज के लिए कि जिनकी शादियां होनी है, जिनकी शादियां हो रही हैं, जिनके जिन्होंने अपनी बच्चियों को बिहाना है, बच्चों को बिहाना है, उन्होंने जो है ये एड को थरली इंजॉय किया। टारगेट ऑडियंस कौन थी? खवातीन थी, ठीक है ना, बंदियां यूज करती है ना, बट यू नो एंड उनको ये फेरी टेल, इसमें एक फेरी टेल इन्वॉल्वमेंट भी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये स्लाइस ऑफ लाइफ नहीं है, स्लाइस ऑफ लाइफ ही है, मगर इसके अंदर थोड़ा फैंटेसी एलिमेंट भी है, राइट, कि परफेक्ट 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 सीन। तो अमेजिंग अमेजिंग, इसके जो फीडबैक था वो अमेजिंग, और नेशनल फूड्स वन नॉच अप चला गया है। नेशनल फूड्स हमारी अपनी इंडिजिनस कंपनी है और राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्होंने एक छोटा सा कमरे से स्टार्ट किया था जोड़िया बाजार से, एंड दे काइंड ऑफ फ्लरिश्ड एंड फ्लरिश्ड एंड फ्लरिश्ड एंड माशाल्लाह सेकेंड थर्ड जनरेशन इन टू द बिजनेस एंड डूइंग ग्रेट। सो यू शुड गो एंड चेक नेशनल फूड्स वेबसाइट ऑल्सो, बट अमेजिंग। सो एवरीबडी टॉक्ड अबाउट नेशनल फूड्स दैट ईद एंड पोस्ट ईद, एंड पीपल डिड नॉट इवन रिकॉल अबाउट वॉट शान एंड वॉट नॉट अदर ब्रांड्स। तो ये ब्रांड पावर है, ये एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है जो ब्रांड को अडॉप्ट और फॉलो करना चाहिए। आपको एक और एड दिखा रही हूं, ये पिछले साल का है, बल्कि पिछले से पिछले साल का है, एक दो साल पुराना है। हाँ, पिछले से पिछले आप समझ देंगे नहीं, मगर लेट्स जस्ट पुट इट दिस वे कि ये दो साल पुराना ऐड है, नेशनल रेसिपी मसाला का है, ठीक है। ये नेशनल फूड्स का कॉर्पोरेट ऐड नहीं जा रहा है, ये नेशनल रेसिपी मसाले का जा रहा है, ठीक है। हैव अ लुक। ये है ऑल इंडिया रेडियो। प्यारे आपा, ईद मुबारक। इस ईद पर भी दिल्ली में आपकी और आपके हाथ के खानों की बहुत याद आएगी। अशरफ मुन्नी। अम्मी, ये ईद हम दिल्ली में मनाएंगे। जा रही है आपके हाथ के खानों की बहुत याद आएगी। मेहमान मुबारक। नेशनल रेसिपी मसाले, हमारे खाने हमारे त्योहार। अच्छा, अब आपने ये एड देखा, ठीक है। इस एड में जो ब्यूटी है, इस एड की ब्यूटी ये कि ये अगेन एड वाज अमेजिंगली पॉपुलर व्हेन इट वाज एयर्ड। नेशनल फूड्स ने कहते हैं एक और छक्का मारा, बाउंड्री से गया, स्टेडियम से बाहर वाला छक्का, और इसमें पॉपुलर कैरेक्टर्स हैं जो इन्होंने इसमें दिखाए भी हैं, ठीक है। नेशनल रेसिपी मसाला, इसमें पॉपुलर आपको कैरेक्टर्स नवीद शहजाद बड़ी बहन का रोल करती हैं, और वो मिस सलाली जो हैं वो छोटी बहन का, मगर और उसमें जो बैकग्राउंड स्कोर है जो कव्वाल हैं वो साबरी जो फेमस कव्वाल हैं उनके साहिबजादे हैं, उन्होंने आज कौन ये मेहमान आया। हाँ, और मगर इसके अंदर जो ब्यूटीफुल पॉइंट है, अनलाइक जो हमारे ड्रामास और मूवीज और हमारे मीडिया प्रमोट करते हैं, इसमें यू नो बड़ा भाई और छोटा भाई वाला कॉन्सेप्ट हटा के इसमें बताया कि पाकिस्तानी ब्रांड, एक पाकिस्तानी बंदा इंडिया गया और इंडिया में खुशियां बटोर के जो है वो वापस आया। कहने का मकसद ये, वो टाइम भी था जब नेशनल फूड्स, ये एक सिंबॉलिक भी है कि नेशनल फूड्स एज राज मसाला एग्जिस्ट करता है इंडिया में, इंडियन मार्केट को पेनिट्रेट किया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे माइक्रोमैक्स ने क्यू मोबाइल के साथ यहाँ पे एंट्री मारी है, मगर क्यू मोबाइल तो जरा सा यू नो अपस्केल ब्रांड नहीं है। तो राज मसाले के साथ इंडियन मार्केट को पेनिट्रेट किया है नेशनल फूड्स ने, और उन्होंने एक एक सिंबॉलिक जेस्चर भी दिया। मगर ईद का एक ओकेजन होता है जब
चाहे आप दूसरे शहरों में रहते हैं, मगर भाई बहन की याद आपको ज़रूर सताती है, और वो एक मौका होता है। आप अपने बच्चों को भी कहते हैं कि फ़ोन लगता है तो बात कराएं, बात करते हैं, एक हैप्पीनेस होती है, मिस योर यू नो। तो इसमें भी ये बताया गया है कि एक ये बड़ी बहन लाहौर आ गई इनकी फैमिली जब पार्टीशन के टाइम पे, और जो छोटी बहन है वो वहीं पीछे दिल्ली में रह गई अपने यू नो जब शादी वगैरह हो गई होगी ऑब्वियसली तब। तो शी गिव हर सिस्टर सरप्राइज विजिट, नवी जो बड़ी बहन है अपने बेटे के साथ जाती हैं और वो खाना बना के जाती हैं। तो लाहौर टू दिल्ली जा रही हैं वो इतना और वो वहाँ पे पहुँचती हैं और वो जो हैप्पीनेस एंड ऑल दैट यू नो इट वाज एन अमेजिंग फील। एक तो वो बहन वो जो रिश्ता है वो आंखों में आंसू ला देता है, और ये एक फील है कि भाई ये नहीं कि जी इंडिया से कोई जो इंडिया वाले अक्सर बेशतर ऊपर हाथ रखते हैं, नहीं जी पाकिस्तानी भी कोई माने रखता है और हमारे लिए तो बहुत रखता है, जानो दिल से अजीज है। तो अगेन ए ब्यूटिफुल एड, ए सक्सेसफुल एड, पीपल जस्ट सिंपली लव्ड इट। तो मैं आपको ये ऐड दिखाने का मकसद ये है कि नेशनल फूड्स की एक हिस्ट्री है, तो दे हैव अंडरस्टूड मार्केटिंग एंड पाकिस्तान के कुछ ब्रांड्स हैं जो एक्सेप्शनली ग्रेट हैं इन यूजिंग ऑल फोर रुपीज सक्सेसफुली। उसमें एक नेशनल फूड्स है डेफिनेटली, एक टपाल है जो प्राइम एग्जांपल्स, जो फोर फ्रंट जो कहते हैं जो रनर्स हैं वो टपाल और नेशनल फूड्स हैं। दे आर एक्सेप्शनली आउटस्टैंडिंग local brands who are taking on Goliaths in terms of MNC's brands by understanding the essence of marketing and utilizing all four P's: product, pricing, placement yani ke distribution or promotion, using communication efficiently and effectively. ye aapko ek print ad dikha rahi hu, humor वैसे तो यू अंडरस्टैंड कि जिसमें तंज व मज़ा होता है, और इसमें सबसे बेहतरीन और आगे पेश यू फोन है। फिर इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमर ऑन एडवर्टाइजिंग क्या है? ह्यूमर अट्रैक्ट्स अटेंशन, ह्यूमर डज नॉट हार्म कॉम्प्रिहेंशन, ह्यूमर इज नॉट मोर इफेक्टिव एट इंक्रीजिंग पर्सुएशन, ह्यूमर डज नॉट इन्हांस सोर्स क्रेडिबिलिटी, humor enhances liking, humor that is relevant to the product is superior to humor that is unrelated to the product, audience demographic factors affect the response to humorous advertising appeals, nature of the product affects appropriateness of a humorous treatment, humor is more effective with existing products than with new products, humor is more appropriate for low involvement products and feeling oriented products than for high involvement. तो ये आपको जनरली ह्यूमर अपील के बारे में कि why people use humor appeal and not successfully always. और पाकिस्तानी वैसे ही हम बड़े skeptic consumers हैं, क्योंकि हम skeptic एक nation भी हैं, तो हम humor या fantasy या emotions हम उस हद तक पसंद करते हैं जब हम इवेल्युएट कर लेते हैं और हम कहते हैं कि ये हमारे क्राइटेरिया से मैच कर रहा है, राइट? तो बिलो द लाइन, बिलो द बेल्ट ह्यूमर किसी को भी नहीं पसंद, स्पेशली कि हमारे पास के पब्लिक और प्राइवेट के जो रूल्स हैं, जो लेड आउट रूल्स हैं, उसमें एक तमीज रखना जरूरी है। ये नहीं कि आप मुसल्लत करें, जो कि आप अक्सर बेशतर देखते हैं कि ब्रांड्स भी आप अपनी थिंकिंग मुसल्लत कर रहे होते हैं, या अपने किसी ब्रांड हेड की थिंकिंग या किसी क्रिएटिव डायरेक्टर की थिंकिंग मुसल्लत कर रहे हैं, ये आमतौर पे पसंद नहीं किया जाता। और ये हम आगे के लेक्चर्स में भी आपको मैं एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगी कि मुसल्लत और फ्री विल, ये पुश और पुल में क्या फ़र्क है और कौन सी बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है। आई होप कम्युनिकेशन importance in terms of mind share and market share is much more clearer to you with the help of these two lectures, aur inshallah ab hum agle lecture mein milenge. Allah hafiz. Thank you.